हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त ईशा कुजलानी एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ ओरियो की कोल्ड कॉफ़ी, और लिटरली ये बहुत अच्छी होती है। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग ओरियो की कॉफ़ी कैसे बनाते हैं और हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए, सो फ्रेंड्स, आज बनाने वाली हूँ मैं ओरियो की कोल्ड कॉफ़ी। तो चलिए मैं बताती हूँ उसको बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है, 4 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी ली है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो उसको कम भी कर सकते हैं। और आइसक्रीम ली है मैंने बटर स्कॉच, बट आप जो फ्लेवर पसंद करो आप वो ले सकते हैं। 4 ओरियो के बिस्किट लिए हैं, थोड़ा सा बर्फ लिया है मैंने, और ये 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी पेस्ट लिया है। और इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, तो आप देख लीजिए इसका वीडियो ना। और 1 गिलास दूध लिया है और हर्षी सिरप लिया है। हर्षी सिरप अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं ग्लास को डेकोरेट करने के लिए रखा है। सो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक जार लेना है। जार में कॉफी डाल दी, फिर सारी चीनी डाल दी, और इसके बाद ये जो कॉफी पेस्ट है वो भी इसी में डाल देना है। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी। अभी इसी पानी को मुझे अच्छे से पेस्ट बनाना है। सो अभी मैं इसको तब तक मिक्स करूंगी जब तक इसका अंदर पेस्ट नहीं बन जाता है अच्छा सा। तो अभी मैं इसको अभी आप देखो मैंने इसको 2 मिनट तक अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये ऐसा हो गया है। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ ओरियो बिस्किट हाफ हाफ करके, और फिर इसमें डालूंगी आइस, और फिर इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड करूंगी अभी। अभी मैंने इसमें किया था, और अभी मैं इसमें दूध डाल देती हूँ 2 गिलास, और थोड़ी सी डालती हूँ आइसक्रीम, और 1 स्कूप में इसमें आइसक्रीम डाल रही हूँ। 1 स्कूप से थोड़ा ज्यादा मैंने डाला है इसमें, आप अपनी मर्जी से 2 स्कूप भी डाल सकते हैं इसमें। तो अभी मैं इसको फिर से ग्राइंड करने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 30 सेकेंड। अभी आप देखो ये एकदम रेडी है, और मैं इसको ग्लास में निकालती हूँ। अभी मैं ग्लास को डेकोरेट कर रही हूँ। आपके पास अगर हर्षी सिरप नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी ये एकदम रेडी है, और मैं इसमें कॉफी निकाल देती हूँ दोनों में। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा आइसक्रीम इसमें मैं डालती हूँ इसके ऊपर, दोनों के ऊपर मैंने हल्का हल्का आइसक्रीम डाल, और हर्षी सिरप से इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा डेकोर कर देती हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस पे थोड़े से आप चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैं स्प्रेकल डाल देती हूँ उसके ऊपर। आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, बट लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही है इसको डेकोरेट करने से। और ओरियो कॉफी है तो बिना ओरियो बिस्किट के ये अधूरी है, तो इसमें हल्का हल्का सा ओरियो बिस्किट हम रख देते हैं, छोटा आधा आधा करके मैंने रखा है। आप लोग लुक देख सकते हैं कॉफी का। अभी मैं इसको बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे आपको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। प्लीज आप लोग टेस्ट कीजिए। सच में यम्मी है कि झूठ झूठ बोल रहे हो? सच में यम्मी है। Yes, don't forget to press the bell button. Bye.
सो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि ओरियो की कोल्ड कॉफ़ी हमने बहुत सिंपल तरीके से बनाई है, और जो मैंने कॉफ़ी पेस्ट यूज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, सो प्लीज़ आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। उससे आप हॉट कॉफ़ी और कोल्ड कॉफ़ी अब बहुत ईजी तरीके से आप बना सकते हो, और उसका टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कीजिए और ट्राई कीजिए कॉफ़ी पेस्ट को भी। सो मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में, और जाने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बाकी तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये सब बना के आप खाते रहिए। सो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।